नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इंडिया की सबसे सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज के बारे में। अल्ट्रोज की वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि जिस हिसाब से बलेनो के प्राइस हाल ही में आए हैं, नई बलेनो जो लॉन्च हुई है, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो अल्ट्रोज एक प्रोडक्ट हो गया है। अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक देख रहे हैं तो हमारे पास जो वेरियंट है अल्ट्रोज का XZ+ वेरियंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑल्दो ये गाड़ी आपको डीजल विद मैनुअल और आपको टर्बो में भी मिल जाएगी ऑटोमेटिक DCA के साथ। आज हम वीडियो बनाएंगे XZ+ पेट्रोल मैनुअल की। सबसे ज़्यादा जो है वो पेट्रोल इंजन इस सेगमेंट में सेल होता है, 1.2 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेट है, और मैनुअल वेरिएंट ही जो है लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम आपके लिए यही वाला वेरिएंट लेके आएंगे। टॉप एंड वेरिएंट जो है वो है XZ+। तो फीचर्स जो आपको मिलेंगे काफ़ी सारे कमाल के जो है वो फीचर्स आपको मिलते हैं। पूरी एक गाड़ी के बारे में डिटेल बताऊंगा, पर दो चीज़ें आप जो है शुरू में ही ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है और इस सेगमेंट में सबसे कम प्राइस में जो है वो आपको अल्ट्रोज मिलेगी, अगर आप नेचुरल एस्पिरेट जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एज यूजुअल गाड़ी के फ्रंट से। तो एज यूजुअल करते हैं गाड़ी की चाबी स्टार्ट। गाड़ी की चाबी आपको कुछ ऐसी मिलती है, रेगुलर टाटा की जो चाबी है, लॉक, फॉलो मी हेडलैम्प बूट अनलॉक करने के लिए, और साथ ही आपको मिलता है अनलॉक करने के लिए बटन। फॉलो मी हेडलैम्प को ऑन करते हैं और लाइट सेटअप के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो आप देखिए, आपको एक प्रोजेक्टर बेस जो है वो हेडलैम्प मिल जाता है आपके लो बीम के लिए। हाई बीम के लिए जो है वो आपको हेलोजन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और टर्न इंडिकेटर जो है वो भी आपको गाड़ी में हेलोजन ही देखने के लिए मिलेंगे। हेलोजन ही जो है वो आपको फॉग लैंप मिलता है। इधर आप ये देख पा रहे होंगे, तो ये इसकी जो है वो रनिंग DRLs है। गाड़ी जो है वो डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, काफ़ी क्लासी जो है वो गाड़ी लगती है। ग्रिल का डिज़ाइन आप देखिए, तो सामने आपको कुछ ऐसा जो है वो पैटर्न मिलता है ग्रिल का। ये जो कलर है ये ग्लोसी ब्लैक कलर है, यहाँ पे टाटा का लोगो है। नीचे जो है वो क्रोम की स्ट्रिप है, आपको हेडलैम्प से नीचे तक जो है ये कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। तो पूरी जो है गाड़ी में एक बढ़िया ये लुक जो है वो देती है। एयर इनटेक के लिए देखिए, काफ़ी सारा जो है वो आपको स्पेस मिल जाता है। गाड़ी का जो लिप है वो भी थोड़ा सा स्पोर्टर बनाया गया है, और जो बम्पर है वो आपको बॉडी कलर देखने के लिए मिलेगा। अब कलर जो है वो काफ़ी सारे आते हैं अल्ट्रोज में। ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़िया देखने में लग रहा है। बाकी वाइट कलर जो है वो ज़्यादा सेल आउट होता है इस सेगमेंट में। अब साइड से गाड़ी का डिज़ाइन देखिए, तो साइड से भी जो है वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। एक इसकी जो फैमिली है टिगोर टियागो, उनसे ही थोड़ी सी जो है वो मिलती जुलती सी आपको गाड़ी दिखेगी। ओरियम्स वगैरह जो है वो आपको ग्लोसी ब्लैक कलर में मिलते हैं, साथ ही लॉक अनलॉक पे जो है वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। अब एक छोटी सी कमी क्या है कि जो इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे मिल रहे हैं, ORVM पे नहीं मिल रहे। टॉप एंड है XZ+, तो वो थोड़ी सी कमी है। अलॉय व्हील्स आपको कुछ ऐसे मिल जाते हैं, डबल कलर जो है वो आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। सामने की तरफ आपको जो है डिस्क मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। टायर का साइज़ दिखाऊँ तो 185/60R16 के जो है वो आपको अलॉय मिलेंगे टॉप एंड्स में। उसके बाद जो डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किए गए वो यहाँ पे आप देखिए, तो पूरा ये जो है वो कंटिन्यू करता हुआ जाता है। कोई भी क्रोम का यूज़ जो है वो आपको विंडोज़ पे नहीं दिखेगा। नीचे जो है वो आपको कोई भी क्लेडिंग वगैरह नहीं दिखती। हैचबैक्स में जो है वो बेसिकली नीचे कोई भी क्लेडिंग वगैरह नहीं होती। जब आप SUV सेगमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको क्लेडिंग वगैरह दिखती है। कुछ ऐसा जो है वो पीछे वाला टायर दिखता है। स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा जो है वो ट्रैवलिंग स्पेस है। गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे इतना बड़ा व्हील बेस नहीं है, तो आपको जो है टिकने विकने की समस्या नहीं आएगी। पेट्रोल टैंक जो है वो आपको गाड़ी में यहाँ पर मिल जाता है। जैसे सामने का डिज़ाइन बढ़िया लगता है, वैसे ही पीछे का डिज़ाइन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। स्पेशली ब्लू कलर के साथ जो ब्लैक एलिमेंट का यूज़ किया गया है। दूसरी कमी जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा, तो शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको नहीं मिलता। नॉर्मल एंटीना आप देख सकते हैं सामने। स्पॉइलर जो है वो नहीं है। थोड़े से ये जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, ये भी आपको LED मिलता है। वाइपर आपको मिल जाते हैं, डिफोगर आपको मिल जाते हैं, साथ ही वाशर जो है वो भी आपको गाड़ी में मिलता है। पीछे अल्ट्रोज जो है वो लिखा गया है, क्रोम में लिखा गया है और ग्लोसी ब्लैक कलर पे, तो काफ़ी बढ़िया से जो है वो विजिबल होता है। अल्ट्रोज के बीच में ही जो है वो आप देखिए, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो लगाया गया है। गाड़ी के टेल लाइट में आपको दिखाऊं, तो टेल लाइट जो है वो आपको LED मिलेगी। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको हालांकि हैलोजन देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी में आपको पीछे दो पार्किंग सेंसर्स जो है वो अवेलेबल है, चार पार्किंग सेंसर्स नहीं है। आजकल सभी कंपनियां जो है वो ये चीज़ कर रही है कि दो दो पार्किंग सेंसर्स ही जो है वो गाड़ी में देती है। नीचे रिफ्लेक्टर्स देखिए आप, तीन रिफ्लेक्टर्स जो है वो यूज किए गए, और ये वाला जो है ये आपको जो है वो ब्लैकआउट मिलता है। तो हल्की फुल्की अगर आपकी गाड़ी पीछे से टच वगैरह भी होती है तो ज़्यादा कोई जो है वो स्क्रैच वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये रो जो है वही रखा गया है। बूट को अनलॉक करते हैं और बूट में आपको दिखाता हूँ।
तो ये लोगों के नीचे जो है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर गाड़ी में मिलता है। पार्सल ट्रे आपको गाड़ी में मिल जाती है, काफ़ी जो है वो हैवी है। दूसरा आप बूट का साइज़ देखिए, बूट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आपको मिलता है। हालांकि थोड़ा सा जो है वो डीप है बूट, बट सामान वान जो है वो आपको काफ़ी सारा यहाँ पे आ जाएगा। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको मैं दिखाऊँ 14 इंच का है, 165/80R14 का साइज़ है। अब टाटा की गाड़ियों में एक चीज़ बढ़िया है, ये आपको टायर इन्फ्लेटर वगैरह जो है वो देते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका टायर इन्फ्लेटर मिल जाएगा। इनकेस अगर आप स्टेपनी ना चेंज कर पाए तो आप हवा भर के जो है वो कुछ दूर तक अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और अपना पिंचर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस है हल्का सा, तो आप अपने बूट को जो है वो आराम से क्लोज कर। अब खास बात क्या है अल्ट्रोज में कि गाड़ी जो है वो 5 स्टार है, तो पूरी सेफ़ गाड़ी जो है वो आपको मिलेगी। सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी नहीं है जो 5 स्टार के साथ आती हो। आप हुंडई को देख लीजिए, बलेनो अगर आप मारुति के देखते हैं, तो दोनों गाड़ियाँ लगभग 2-2, 3-3 स्टार जो है वो सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। बट अल्ट्रोज वहाँ पे आपको 5 स्टार की रेटिंग देती है। एक सेफ़ गाड़ी लेना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फीचर्स के साथ जो है आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना मैं कहूँगा एक बेवकूफ़ी का काम जो है वो हो जाता है। कुछ ऐसे जो है इसके पीछे वाले डोर्स ओपन होते हैं, 90 डिग्री पे जो है वो गाड़ी के डोर ओपन होते हैं। कुछ ऐसा जो है वो आपको लॉक हैंडल पे कलर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो ट्विटर मिल जाते हैं, 4 ट्विटर और 4 स्पीकर आपको एक्सेड प्लस वेरिएंट में मिलते हैं। नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको 2 ट्विटर और 4 स्पीकर जो है वो मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अल्ट्रोज में, आगे चल के उस बारे में बात करेंगे। ये आप देखिए ग्रैब हैंडल, तो कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल है। यहाँ पे जो है वो आपको सॉफ्ट टच मिल जाती है, फैब्रिक का यूज़ किया गया है। इधर जो है वो पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ब्लैक और बेज का जो है वो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बनाने की कोशिश की गई है। नीचे काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको स्पेस मिलता है, बोतल जो है वो आप आराम से रख सकते हैं। अब गाड़ी की सीट मैं आपको दिखाऊँ तो लेदरेड जो है वो आपको सीट मिलती है गाड़ी में, काफ़ी बढ़िया है। ब्लैक कलर की जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो यूज़ किया गया। अब इसकी रूफ़ जो है वो ब्लैक नहीं है, बट इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स यानी कि मतलब आप अगर ऑटोमेटिक वगैरह लेते हैं या आई टर्बो वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लैक रूफ का ऑप्शन जो है वो भी आता है। हेडरेस्ट मैं आपको दिखाऊं तो 2 आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, दोनों ही एडजस्टेबल है। थर्ड पैसेंजर के लिए आपको नहीं मिलता, और आर्मरेस्ट जो है वो आपको कुछ ऐसा मिलता है। अब यहाँ पर कप होल्डर की जो है वो कमी है, कप होल्डर होते तो ज़्यादा बढ़िया होता। बाकी सीट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे लग रही है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे प्रीमियम सीट है। सीट कवर वगैरह काफ़ी बढ़िया से जो है वो लगाए गए हैं। डोर बंद करता हूँ, एक बार थर्ड सुनना आप। तो बिल्ड क्वालिटी जिस गाड़ी की बढ़िया होती है उसका थर्ड जो है वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया दिखेगा। अब स्पेस वगैरह की जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सामने वाली सीट जो है वो 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट है। उसके बाद भी देखिए हमें काफ़ी सारा स्पेस जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। नी रूम की कोई कमी नहीं है, लेग रूम की कोई भी कमी नहीं है। हल्की सी जो है वो 6 फीट के बंदे को थाई सपोर्ट की कमी जो है वो ज़रूर लगेगी, बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर एमिनिटीज़ की बात करें तो एसी जो है वेंट्स आपको मिल जाते हैं रियर में, और एक चार्जिंग के लिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। कुछ ऐसे जो है वो ओपन होता है। ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो कोई भी कैबिन लैम्प जो है वो नहीं है गाड़ी में। फोल्डेबल आपको जो है वो डोर हैंडल्स मिलते हैं। पीछे आपको जो है ISO फिक्स माउंट मिलते हैं। 2 आपको 3 पॉइंटर, 1 लैप सीट बेल्ट जो है वो गाड़ी में आती है। पीछे से डैशबोर्ड का लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा जो है वो डैशबोर्ड का लुक आता है। कलर कॉन्ट्रास्ट जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी बढ़िया है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कलर का जो है वो यूज़ किया गया है। बाकी कुछ ऐसी फील जो है वो आपको आने वाली है गाड़ी में। तो चलिए ड्राइवर साइड चलते हैं और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अभी टॉप मॉडल है तो फीचर्स जो है कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। जो ज़रूरत के फ़ीचर है वो लगभग जो है वो सारे ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। गाड़ी को लॉक और अनलॉक दोनों जो है वो आप रिक्वेस्ट सेंसर की मदद से कर सकते हैं। ORVM जैसा मैंने आपको बताया, फोल्डेबल जो है वो आते हैं, और इधर आपको बटन्स मिल जाते हैं अपनी पावर विंडोज़ के और ORVM को एडजस्ट करने के। जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है वो आपकी ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों फीचर के साथ आती है, बाकी सारी जो है वो नॉर्मल आती है। यहाँ से आप अपनी विंडोज़ को जो है वो लॉक वगैरह कर सकते हैं। फैब्रिक का यूज़ है, ग्रैब हैंडल है, नीचे स्पेस है, जितना आपको पीछे वाली विंडोज़ मिलता है उतना ही स्पेस जो है वो आपको आगे मिलता है। ट्विटर यहाँ पर लगाया गया है और स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलती है। ये देखिए आप मैनुअल है जो है वो होने वाली है। यहाँ पर आप देखिए सीट की क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है।
पीछे वाली भी आगे वाली भी, जो सीट की फिटिंग है ना वो काफ़ी बढ़िया जो है वो है, बकेट फिट सीट है पूरा, एकदम बढ़िया से ग्रैब करके रखेगी। और यहाँ पे देखिए वाइट धागे से जो स्टिचिंग की है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेट्रोल टैंक जो है वो आप यहाँ से गाड़ी का ओपन कर सकते हैं। इधर के फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, आपके जो है वो फॉग लैंप्स के बटन है। यहाँ पे इंजन को आइडल में आप बंद करना चाहते हैं नहीं चाहते उस चीज़ के लिए जो है वो बटन दिया गया है। गाड़ी के अंदर चलते हैं। स्टेयरिंग आपको गाड़ी का कुछ ऐसा मिल जाता है, लेदर की रैपिंग जो है वो स्टेयरिंग पे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है, टाटा का लोगो है और कुछ इस तरह का जो है वो आपको हॉर्न मिलता है। लेफ्ट साइड में आपके मीडिया के कंट्रोल है, इधर आपका वॉइस कमांड के लिए जो है वो बटन दिया गया है। इधर आपके क्रूज कंट्रोल्स जो है उनके रिलेटेड सारे बटन्स आपको मिल जाते हैं। MID वगैरह को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो आपको यहीं पर बटन मिलेगा, ये आप देखिए। तो इधर से आप देख सकते हैं, MID की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी MID आपको मिलती है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में जो है वो आपका स्पीडोमीटर है। अब ये जो है ये एनालॉग है, ये पूरी स्क्रीन जो है वो आपको डिजिटल मिलती है, बाकी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाती है। ये आप देखिए पावर एंड टॉर्क, उसके बाद सेटिंग में एंटर करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे भी आपकी ट्रिप वगैरह की जो है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। सेटिंग में एंटर करते हैं तो TPMS जो है वो भी आपको गाड़ी में मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है कि गाड़ी जो है वो कौन से मोड में है, स्पोर्ट्स में है, इको में है, सिटी में है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। उससे रिलेटेड बटन जो है यहाँ पे मिलता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। MID जो है वो ठीक ठाक है, गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगती है। ऊपर डैशबोर्ड का लुक मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए सॉफ्ट जो है वो नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, बट लुक जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। अब स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है, ऑफकोर्स टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो ये वाले सेगमेंट में आपको कमी गाड़ियों में देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, ऑटोमेटिक वाइपर का ऑप्शन जो है वो आता है, और राइट साइड में आपके हेडलैम्प के कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन जो है वो भी आपको गाड़ी में मिलता है। अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ, तो कुछ इतने साइज़ की जो है वो आपको स्क्रीन मिलती है, 7 इंच की है, हरमन की है, हरमन का ही जो है पूरा साउंड सिस्टम आपको गाड़ी में मिलता है, काफ़ी बेहतरीन जो है वो इसकी आवाज़ है। इंटरफेस देखिए आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस है, यहाँ पे आपके म्यूट वगैरह के, ब्राइटनेस वगैरह के ये सारे कंट्रोल्स जो है वो आपको दिखेंगे, और इधर से जो है वो आपको पावर वगैरह के और ये AC वगैरह के कंट्रोल्स देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। नीचे भी AC कंट्रोल्स, यहाँ पे म्यूजिक रिलेटेड सेटिंग्स है और बाकी कुछ ऐसी है। आपको लगभग इस रेंज की सभी गाड़ियों में, मतलब टाटा की गाड़ियों में यही टाइप की जो है वो स्क्रीन मिलती है। इंटरफेस ठीक ठाक है, जो इसकी क्वालिटी वो भी आपको ठीक ठाक मिलेगी, बाकी साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलती है आपको। हरमन के साउंड होने के साथ ये चीज़ जो है वो बढ़िया हो जाती है। 1000 बटन की प्लेसमेंट है, AC वेंट्स है आपको, यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा सा जो है वो आपको सिल्वर कलर का यूज़ मिल जाता है। और कलर कॉन्ट्रास्ट की हम बात कर रहे थे तो ऊपर आपको देखिए ब्लैक मिलता है, यहाँ पे आपको मैट ग्रे मिलता है, ये जो है वो हल्का सिल्वर है, ये और ये कलर जो है वो लगभग आपको सेम ही दिखेगा। यहाँ पे जो है पूरी ब्लैक कलर की आपको एक पट्टी मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं इंटीरियर जो है वो काफ़ी बढ़िया बनाने की कोशिश की गई है, और उस हिसाब से इंटीरियर बढ़िया लगता भी है। प्रीमियम हैचबैक जो है वो सेगमेंट में आती है, और अंदर से प्रीमियम हैचबैक बिल्कुल अल्ट्रोज लगती है, अल्ट्रोज लिखा हुआ आपको अंदर भी गाड़ी में जो है वो मिल जाएगा। नीचे आपको ऑटोमेटिक AC की यूनिट मिल जाती है, यहाँ से आप अपने टेम्परेचर वगैरह को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और ऊपर आपको दिखाएगा कितना कुछ जो है वो टेम्परेचर वगैरह है। AC को बंद कर लेते हैं, फैंस को जो है वो बंद कर देते हैं एक बार, AC को पूरा कंप्लीट ही। यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, USB आपको मिल जाता है अपने इन्फोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही जो है वो वायर्ड इसमें आते हैं। यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, फ़ोन वगैरह जो है वो आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। अब 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, लेदर का यहाँ पे यूज किया गया है। अब ये बटन है आपका इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो कुछ ऐसे साउंड भी करता है, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इकोनॉमी और सिटी दो मोड जो है वो आपको गाड़ी मिलते हैं, इसी बटन से आप दोनों को टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ग्लास होल्डर्स है, ये आप देखिए हैंड ब्रेक है, उस पर क्रोम टिप का यूज किया गया है। यहाँ पे कोई स्पेस, मतलब ऐसे सामान वान रखने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी हल्का सा स्पेस है। ये आप देखिए तो एडजस्टेबल जो है वो आपका आर्मरेस्ट होता है, यहाँ पे भी लेदर का यूज़ आपको मिल जाता है विद वाइट स्टिचिंग। और इसके नीचे स्पेस दिखाऊं तो कुछ इतना स्पेस है, स्पेस थोड़ा सा कम है, बाकी मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, बट रियर AC वेंट्स की वजह से जो है वो बढ़ा नहीं पाए होंगे।
अब इसको ग्लोब बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलता है, इसको दबाइए, ग्लोब बॉक्स जो है वो आपका धीरे धीरे नीचे आएगा। अब ये नीचे आप स्पेस देख रहे हैं, कूल्ड स्टोरेज जो है वो है, साथ ही इल्यूमिनेटेड है। 15 लीटर तक की जो है वो आप यहाँ पे लिक्विड कूल कर सकते हैं, मतलब 15 लीटर पानी, 15 लीटर कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी जो है वो आप छोटे 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 कैन रख के आराम से गाड़ी में कूल कर सकते हैं, कोई भी जो है वो समस्या नहीं आएगी। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो ये ऑलरेडी इसका है। ऊपर से आप देख लेते हैं तो ऊपर आपको IRVM मिल जाता है, मैनुअल जो है वो मिलेगा। यहाँ पे आपके कैबिन लैंप्स है, LED है, बट क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी, इसकी जो ब्राइटनेस है मतलब वो कम है लाइट की। एक पीछे जो है वो कैबिन लैंप देना चाहिए था पीछे वाले पैसेंजर के लिए। ये माइक्रोफोन जो है वो आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड में बताऊँ तो वैनिटी मिरर है, इल्यूमिनेशन नहीं है, और इधर आपको जो है वो सिर्फ टिकट होल्डर गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा। अब इंटीरियर क्वालिटी जो है वो ओवरऑल अल्ट्रोज की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ी सी चीप क्वालिटी का जो है मटेरियल यूज़ किया गया, सारा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कलर्स जो है वो भी काफ़ी बढ़िया यूज़ किया गया। ओवरऑल MID की क्वालिटी और इंफोटेनमेंट सिस्टम की क्वालिटी दोनों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक आपको मिलती है। साउंड क्वालिटी तो मैं आपको बता रहा हूँ ओसम है, तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। इंटीरियर में सब चीज़ें जो है वो आराम से रीच में, इजीली जो है वो आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है गाड़ी का मेन पार्ट, गाड़ी का इंजन। तो टाटा अल्ट्रोज में आपको 1200 cc का इंजन मिलता है। कमी कहाँ है कि आपको सिर्फ 3-सिलेंडर इंजन जो है वो अल्ट्रोज में मिलता है, जबकि सेगमेंट में दूसरी जो गाड़ी है वहाँ पे आपको 4-सिलेंडर इंजन मिलता है। पावर जो जनरेट करता है वो करता है 85 BHP और 113 Nm का टॉर्क, और माइलेज जो क्लेम करती है टाटा अपने इस इंजन पे वो है 18.53 KMPL की। तो एवरेज वगैरह जो है वो गाड़ी की ठीक है, बट 3-सिलेंडर होने की वजह से थोड़ा सा जो है वो आपको इनिशियल गियर्स में पावर लैग मिलेगा, और दूसरा जो है वो आपको वाइब्रेशन जो है वो गाड़ी में दिखेगी। जब आप रेव करोगे ना गाड़ी को तो हल्की हल्की जो है वो वाइब्रेशंस भी आएगी, और थोड़े सा जो है वो नॉइसी इंजन हो जाता है 3-सिलेंडर होने की वजह से, बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम से जो है ये इंजन टाटा के पास मतलब है, टियागो में भी आता है, आपकी टिगोर में भी आता है, अल्ट्रोज में भी आता है, पंच में भी आता है, तो इस लेवल की सभी गाड़ियों में जो है वो टाटा यही इंजन अपना देती है। थोड़ा सा वैसे 3-सिलेंडर होने की वजह से ये छोटे मोटे इश्यू है, बाकी ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है कि आप इन चीज़ों की वजह से गाड़ी को कंसीडर नहीं कर सकते। बिल्कुल आप गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं और आराम से आप चला सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जो है वो ओवरऑल गाड़ी है। तो दोस्तों यही कुछ था टाटा अल्ट्रोज के बारे में, इसके फीचर्स जो है मैंने आपको सारे बताए। गाड़ी बिल्कुल जो है वो कंसीडर करने लायक है, 9,80,000 रुपये आपको पड़ेगी गुड़गांव में ऑन रोड। अगर आप मानेसर गुड़गांव या आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप हिमगिरी टाटा मोटर्स में जो है वो आ सकते हैं, मानेसर में सिचुएटेड है। और अमित भाई का जो है वो आपको मैं नंबर डाल दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। कोई भी टाटा की गाड़ी आपको चाहिए तो उनसे आप बिल्कुल इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं। फीचर्स के मामले में, सेफ्टी के मामले में काफ़ी बढ़िया जो है वो अल्ट्रोज डिज़ाइन पैटर्न जो यूज़ किया गया है वो काफ़ी बढ़िया, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों तरफ से जो है वो गाड़ी काफ़ी बढ़िया मुझे लगती है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं टाटा अल्ट्रोज को बलेनो और i20 के ऊपर, एक बार आप ज़रूर जो है वो गाड़ी को देखिए। तो यही कुछ था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप हमारी मिस ना कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।